नमस्कार, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कैसा है मूड आपका? और जो हमारे एक्स सर्विसमैन के डिपार्टमेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के जो इंचार्ज हैं, आपका भी यहाँ स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मैं जानता हूं कि आप ताली बजा रहे हो, बट आपका नुकसान तो हो गया है। एक प्रकार से आपको तो चोट लग गई है, और आपने एक सपना देखा था, आर्मी में जाने का सपना देखा था, देशभक्ति का सपना था। वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी सोच है, जो 1,50,000 हमारे युवा हैं जिन्होंने आर्मी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट की थी, अपनी जिंदगी के साल दिए, रनिंग की, वेट ट्रेनिंग की, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, उनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए निकलना चाहिए। तो ये अब वो क्या रास्ता होगा, वो सरकार में आने के बाद हम उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। मगर मेरी सोच है कि ये जो 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, इनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो मिलनी ही पड़ेगी। देखिए, अग्निवीर स्कीम जो है वो एक्चुअली इंडियन आर्मी का स्कीम नहीं है। जब हमने थोड़ी गहराई में पता लगाया, तो जब ये स्कीम बनाया गया, ये स्कीम आर्मी के लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे नोटबंदी हुई थी, जहां फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, आरबीआई से नहीं पूछा गया, सीधा बाईपास कर दिया गया, पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया, वैसे ही अग्निवीर स्कीम को बनाने में पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। ये प्रधानमंत्री के ऑफिस में डिसीजन लिया गया, एनएसए ने डिसीजन लिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डिसीजन लिया, आर्मी से नहीं पूछा, बाकी फोर्सेस से नहीं पूछा। तो एक एक गलती तो स्कीम है कि स्कीम ही गलत है, मगर दूसरी गलती यह भी है कि आपने ये स्कीम लागू किया, मगर जिन लोगों के लिए आप स्कीम बना रहे हो, ना आपने उनसे पूछा, ना आपने सेना से पूछा, ना आपने हिंदुस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पूछा। मतलब आपने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। तो ये मेरे मुताबिक दो प्रॉब्लम्स हैं। अभी चुनाव हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर पूरी फुल अटैक किया जा रहा है। हिंदुस्तान में 15% दलितों की आबादी है, ठीक है, 8% आदिवासियों की है। आप जानते हो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना, है ना? आप जानते हो आपकी आबादी कितनी है? देखो, किसी को नहीं मालूम। 50, 55, 52, 73, 85, 76, 64, मतलब जो भी नंबर निकालने निकाल लो। बट ये बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दलितों को मालूम है, आदिवासियों को मालूम है, मगर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग है, जो इस देश को बनाता है, चलाता है, उसको यही नहीं मालूम उसकी आबादी कितनी है। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? जवाब देता हूं। आप नेशनल मीडिया देखिए, नेशनल मीडिया पूरा नैरेटिव बनाता है। मीडिया में आपको अग्निवीर के बारे में तो कुछ नहीं दिख रहा ना,
मीडिया में आता है अग्निवीर? कहीं नहीं आता ना। 1,50,000 लोगों का नुकसान हुआ है, मगर कहीं नहीं आता। आपको मालूम है क्यों नहीं आता है? मीडिया आपका नहीं है। मीडिया में ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है, ना एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, ना एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति है। 2-3% का मीडिया है, और जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति चाहते हैं वो मीडिया में आता है। तो मीडिया में आपकी कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, आपका उसमें कोई है ही नहीं। कॉर्पोरेट इंडिया को देखिए, 200 सबसे बड़ी कंपनियां जहां आप शायद जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। अरबों रुपए उनको दिए जाते हैं, 16,00,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया गया है। आप जीएसटी देते हो ना, जीएसटी देते हो ना? ये आपने शर्ट पहनी है, कितने की खरीदी आपने? हाँ, ये आप 28% जीएसटी। आप ज्यादा जीएसटी देते हो, अदानी ज्यादा देता है? जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। अगर वो शर्ट खरीदेगा आप 28 दोगे तो वो भी 28 देगा, आप भी 28 दोगे। जीएसटी एक जैसे दे रहे हो, पूरा का पूरा पैसा उनको जा रहा है, आपको एक रुपया नहीं। आपका कभी कर्जा माफ हुआ है? कभी नहीं। आपके पिता का कर्जा माफ हुआ है? आपके किसी रिश्तेदार का कर्जा माफ हुआ है? नहीं। अदानी जी का 22 अरबपतियों का 16,00,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है। 16 लाख मतलब बात समझो, 24 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उनका हो सकता है तो ये जो युवा हैं जो अग्निवीर के लिए मतलब लाइन लगा रहे हैं, सेना में जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, या शिक्षा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनका क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपकी क्या गलती है, आपने क्या किया? क्यों? क्योंकि आपकी भागीदारी नहीं है। आप ना मीडिया में हो, ना कॉर्पोरेट इंडिया में हो, ना स्कूल कॉलेजेस चलाते हो, ना सरकारें चलाते हो। आपको वो फोन दे देते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हो आप लोग? देखते हो ना इंस्टाग्राम? आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, रील देख रहे हो, रील देखने से पैसा तो नहीं बन रहा ना, खर्च हो रहा है ना। तो ये मेन मुद्दा है हिंदुस्तान में कि ये जो 90% लोग हैं इनकी भागीदारी कितनी है। अगर कर्जा माफ हो रहा है तो 90% का कितना हो रहा है? सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को नरेंद्र मोदी जी साइन करते हैं, 90 आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है। अग्निवीर का निर्णय उन्होंने लिया है, नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर का डिसीजन सोचा और उन्होंने एक्शन किया, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, कितने पैसे मिलेंगे, कितने सालों के लिए होगा, ये पूरा उन्होंने बनाया है। 90 हैं, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं और उनको पीछे किसी छोटे से डिपार्टमेंट में बैठा रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई नहीं है, बड़ी बड़े मंत्रालयों में कोई नहीं है। 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। और अगर आप बजट को देखेंगे तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो जो 90% आबादी वाले हैं वो 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, आर्मी हुआ करती थी, ये सारे के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पहले ओबीसी को, दलित को, गरीब जनरल कास्ट को पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिल जाती थी, सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर का सच्चा मतलब है कि जो गरीब लोग हैं
उनको हम पेंशन नहीं देना चाहते, उनको हम शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते, उनको हम कैंटीन नहीं देना चाहते। अमीर लोग हैं उनको यह सब मिल जाएगा, मगर जो जवान है, जो शहीद होने के लिए तैयार है, वो दो तरीके के बन रहे हैं। एक अग्निवीर, उसको गोली लगेगी तो आप उसको कहेंगे भैया आप तो शहीद ही नहीं हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्मल जवान जिसको कहेंगे हाँ भैया आपको मतलब पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। तो आप सोचिए, चाइना से युद्ध होगा, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान लड़ रहा होगा, अग्निवीर क्या सोचेगा? अग्निवीर सोचेगा भैया अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी परिवार की कोई देखभाल नहीं करेगा, और अगर इसका कुछ हुआ तो इसकी पूरी रक्षा होगी, इसके पेंशन मिलेगी, इसके परिवार की रक्षा होगी। तो आर्मी का मोराल तो आपने वहीं खत्म कर दिया, आर्मी में फूट वहीं डाल दिया आपने। तो इसलिए हम अग्निवीर को खत्म करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पॉलिटिकली सोचिए, पॉलिटिकली एक्टिवेट होइए। आप 90% में से हो, आपकी शक्ति है, आप शक्ति अपनी पहचानो। मैं हैरान हो गया कि 150,000 अग्निवीर हैं, एक्स अग्निवीर, सॉरी, जिनको मतलब आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, उनको फिर बाहर निकाल दिया, पेंडिंग। बट मैं आपको सच बताऊं, जितनी आपकी आवाज होनी चाहिए उतनी आपकी आवाज नहीं थी, ये रियलिटी है। अब उसका कारण है कि मीडिया भी आपके खिलाफ, कॉर्पोरेट इंडिया भी आपके खिलाफ, सरकार आपको धमका रही है, शासन धमका रहा है, फोटो ले रहे हैं, कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगी, वो सब है। मगर 150,000 लोगों में शक्ति भी बहुत है। वही तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, वो सब। और आपके अंदर देशभक्ति का सच्ची आग है, आपके अंदर है, और आपको वो आतंकवादी कह रहे हैं, और पूरा मीडिया कह रहा है, वो पूरा का पूरा मीडिया कह रहा है, वो किसानों को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। तो ये इसलिए मैं चाहता हूं कि हम एक साथ काम करें, और अगर हम आपकी मदद कर सकें, आपको आपके लिए आर्मी में रास्ता बना सकें, तो हम पूरी कोशिश करके आपके लिए रास्ता बनाएंगे। अब आपके कोई अब आपके सवाल होंगे, आप पूछिए, मैं खुशी से जवाब दूंगा। एक तो राहुल जी, जो आज ये हमारे तमाम छात्र और स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, दोस्त मेरे आए हुए हैं, ये अपने अपने जिलों में अग्निवीर को लेके बहुत बड़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी छात्र मुझे आज भी मिले और गांव में भी मिले कि जिनके ऊपर बहुत गंभीर मुकदमे भी दर्ज कर दिए सरकार ने, जब इन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू करा। आज काफ़ी लगभग जितने छात्र आए हैं सबके कुछ ना कुछ सवाल थे, लेकिन हमने एक फॉर्मेट बनाया है जो मैं आपको भी एक फॉर्म दूंगा कि हमने एक फॉर्म फिल कराया था आज। इस फॉर्म में हमने 10 से 12 स्टूडेंट करें आइडेंटिफाई, जिनके हमने सबके जो सवाल थे वो ले लिए थे, और सबको हम उनका जवाब देंगे आपकी चिट्ठी के माध्यम से। 10 से 12 लोगों के हमने रैंडम पिक करे क्वेश्चंस जो आपसे सवाल करेंगे। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा अभी कि ये पॉलिसी एक ऐसी सरकार और एक ऐसे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं जो खुद लगभग एक प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री थे, लगभग 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लगभग 75 साल उनकी उम्र है, और वो युवा साथी को बोल रहे हैं कि आप 4 साल में रिटायर कर जाओ। तो इससे ज़्यादा छल किसी युवा के साथ मैं नहीं समझता होता है। अब मैं आप साथियों से भी अपील करूँगा कि अपनी बात 1 मिनट के अंदर रखें, और साथ के साथ अपने बारे में भी बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आप किस परिवार से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो। तो मैं नाम लेने शुरू करूँगा, और 1 मिनट के अंदर आप अपना सवाल करें। पहला नाम है पंकज कुमार गया। मैं पंकज कुमार गया बिहार के रहने वाला हूं, और मैं अम्बेडकर जाति, अति पिछड़ा जाति से बिलोंग करता हूं। सर, मैं अपना समाज में, अम्बेडकर समाज में
मैं फर्स्ट बार आर्मी को भर्ती देखा था, जिसने 3 से 4 साल हमने प्रैक्टिस किया तो लास्ट एज में मेरा आर्मी का मेरा पूरा प्रक्रिया हमने पास कर ली। तो सर पूरा प्रक्रिया हमने पास कर ली तो सरकार ने मेरी भर्ती को पूरा रद्द कर दी, मेरी भर्ती को पूरा रद्द कर दी। तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो सर पैसा की भी ज़रूरत होती है, तो हमने माँ का भी गहना गिरवी रखा, खेत भी जारा धारा सर। तो बहुत स्थिति बहुत दयनीय हो गई सर, और ऊपर से मेरा भर्ती भी कैंसिल हो गया। और इसका मैं बहिष्कार किया, रोड पे बहिष्कार इसको किया तो मेरे ऊपर मुकदमे लगे, जिसमें 12 धारा मेरे ऊपर लगे। और जब 12 धारा लगे तो हमें जेल में बंद कर दिया 3 महीने के लिए, हम 3 महीने जेल में रहे। उसके बाद सर बाहर आए तो अब कुछ अब ओवर एज भी हो गया, हम अब कुछ करने लायक भी नहीं। अब सरकार ने तो बोल दी भी है कि जिसको ऊपर अग्निवीर के मुकदमे होंगे वो जॉब में नहीं जा सकते। तो सर मैं जाऊँ कहाँ, मैं क्या करूँ? और सर मेरे पास पैसा भी नहीं था दिल्ली आने के लिए, मेरे घर में 3 केजी चना था, वो चना बेच के आया जिसमें 90 रुपया मेरे पास था, करूँ तो क्या करें सर? तो मैं आपको, हमारे मैनिफेस्टो में हम एक नई योजना लाए हैं जी सर, शायद वो आप जैसे युवाओं के लिए ही डिजाइंड है। उसको हम कहते हैं पहली नौकरी पक्की। मनरेगा में रोजगार का अधिकार मिलता है, मजदूरी का अधिकार, मजदूरी करने के लिए सरकार अधिकार देती है। अब हम पहली नौकरी का अधिकार हिंदुस्तान के युवाओं को देने जा रहे हैं। तो कैसे होगा? हिंदुस्तान में ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले, डिप्लोमा होल्डर्स को यह अधिकार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में 1 साल की गारंटीड जॉब मिलेगी, 8,500 रुपये महीने के, 1,00,000 रुपये साल के आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। ये अप्रेंटिसशिप का रास्ता है, एक प्रकार से 1 साल की जॉब कम ट्रेनिंग हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं के लिए अधिकार देने जा रहे हैं। तो उससे आपको जॉब मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। सीधा सा आइडिया है। जैसे जैसे ये बड़े बड़े बिजनेस वाले होते हैं, इनके बच्चों को ये अपनी कंपनी में नौकरी दे देते हैं, उसको वो अप्रेंटिसशिप कहते हैं, 6 महीने की नौकरी होती है, 1 साल की नौकरी होती है। तो वैसे ही वही सुविधा हम हिंदुस्तान के हर बेरोजगार युवा को दे रहे हैं कि आप सरकार से अगर 1 साल की नौकरी मांगोगे, सरकार को आपको देने ही होगी, सरकार मना नहीं कर पाएगी। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, अलग अलग संस्थाओं में वो नौकरी मिलेगी, 8,500 रुपये महीने के, 1,00,000 रुपये साल के आपके बैंक अकाउंट में, आपकी ट्रेनिंग, और उसके बाद अगर आपने अच्छा काम किया तो वो परमानेंट जॉब आपको वहां मिल जाएगी। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक आइडिया है। मगर देखिए, पिछले 10 सालों में जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है, गलत GST लागू करके, नोटबंदी लागू करके, जो छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाले जॉब देते थे उन सबको खत्म कर दिया है, और सिर्फ अदानी अंबानी इन लोगों को पूरा फायदा दिया है। ये लोग जॉब नहीं दे सकते, ये लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा 1,000, 10,000, 15,000 जॉब दे सकते हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। तो पूरे सिस्टम को थोड़ा बदलना पड़ेगा। बैंक के दरवाजे छोटी कंपनियों के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, आप लोगों जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलना पड़ेगा। वो थोड़ा लंबा काम होगा, मगर एकदम सरकार आने के बाद हम ये अप्रेंटिसशिप का अधिकार आप सबको देने जा रहे हैं। तो ये हमारी सोच है। सेकंड क्वेश्चन, ठेकेदार राउत, कालिंदी, उड़ीसा। नमस्कार, थोड़ा जोर से बोलो भैया, यहां आ जाओ, ऐसे करो, यहां आ जाओ,
ऐसे करो, जो जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो उनको यहीं बोला। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? सर नमस्ते। सर नमस्कार, मेरा नाम टंकाधर राउत है, मैं उड़ीसा का कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूं और ओबीसी कास्ट में बिलोंग करता हूं। मेरा क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन है, लेकिन पहला भाई ने पूछ लिया। मैं भी 1.5 लाख की वजह से हूं, जो कि पेंडिंग आर में भर्ती से कैंसिल हो गया और वो तो पूछ लिया, एनसीआर में मैं पा गया मैं। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जब भी वैकेंसी आती है तो जो रिजर्वेशन जो रहती है तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के वो वैकेंसी कम कर रही है, इसलिए कि रिजर्वेशन ना दे। तो इस बारे में मैं आपके कुछ जानना चाहता हूँ सर, जब आपकी सरकार आएगी तो इस बारे में आप काम करेंगे या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मैंने कहा कि जो 90% आबादी वाले लोग हैं, दलित आदिवासी पिछड़े लोग, उनको ये ही नहीं मालूम कि उनकी आबादी कितनी है। और अगर आप उनसे पूछो कि भैया आपके लोग मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, अलग अलग कंपनियों में कितने हैं, उनको मालूम ही नहीं। तो आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओबीसी वर्ग के पास हिंदुस्तान का कितना धन है, आप बता सकते हो? नहीं सर, नहीं बता सकते सर। ये मैं, आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। तो हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना मतलब इनको पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग के प्रेस में इतने लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में इतने लोग हैं, जुडिशरी में इतने हैं, आर्मी में इतने हैं, हमारी भागीदारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा, और हमारे लोग कहां बैठे हैं, कितने बैठे, वो भी पता लग जाएगा। मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में, ये मेन सवाल है। जब आप अग्निवीर की बात कर रहे हो, आप यही तो कह रहे हो ना, जितना हमें धन पहले मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिल रहा, वही तो कह रहे हो ना, वही कह रहे हो कि भाई पेंशन नहीं मिल रही, कैंटीन नहीं मिल रही, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। आप अंत में बात पैसे की होती है। जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, आप पैसे की बात कर रहे हो। भैया देखो, उसको नौकरी मिल गई, हमें नौकरी नहीं मिली, उसे पैसा मिल रहा, हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए, सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। देखिए मैं आपको सीधा बता देता हूं, 90 अफसर हैं दिल्ली सरकार को चलाते हैं, 6 रुपए 10 पैसे 100 रुपए में से ओबीसी दलित आदिवासी निर्णय ले रहे हैं। क्यों?
इनको कोने में कैसे बैठा रखा है बताइए, कैसे? इनमें कोई कमी तो नहीं है ना, आप में कोई कमी तो नहीं है ना, कोई कमी नहीं है? तो अगर कमी नहीं है तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हाँ, ताकत पता नहीं है। और एक और ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिससे इनकी हत्या होती है, ACR जानते हो क्या होता है? ये देखो कैसे पॉलिटिकल लोग हो आप। बाबरिया जी ACR क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है, जैसे मैं राहुल जी के साथ काम करता हूँ, एक साल के बाद राहुल जी देखते हैं कि बाबरिया जी क्या काम कर रहे हैं, मगर वो उसमें कोई बड़ी एक ऑब्जेक्टिव की वजह कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग से मेरे ख़त्म कर दिया कि तो बराबर नहीं है, तो जो उसका ACR होता है मेरा ख़त्म हो गया, तो मेरा आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। तो जहाँ तक आपकी सिस्टम का सवाल है, ऑफिसर्स होते हैं, अन्य अपर कास्ट से होते हैं, क्या होते हैं, तो वो लोग आपका रिपोर्ट ख़त्म कर देते हैं, तो आपको प्रमोशंस भी नहीं मिलता है और आपको सही जगह भी नहीं मिलती है। तो ऊपर जो अफसर बैठा होता है, सिंपल सी बात है भाई, ऊपर जो अफसर बैठा होता है उसको ACR का हक मिलता है। ACR मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो जो भी मुझे अच्छा नहीं लगता उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं सीनियर अफसर बैठा हूँ, मुझे दलित अच्छे नहीं लगते, खराब ACR दे दी, मुझे OBC अच्छे नहीं लगते, खराब रिपोर्ट दे दी, यही सिस्टम है। तो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड का सिस्टम था, सुना आपने, वही चल रहा है हिंदुस्तान में। 10% लोग, 5% लोग ने पूरा सिस्टम पकड़ रखा है, कैप्चर कर रखा है। और वो जो चोट लगी है आपको अग्निवीर की, वो उन्होंने मारी है। आप अग्निवीर आया क्यों? आपको चोट लगी, मुझे बताओ अग्निवीर आया क्यों? हाँ ठीक है, डिफेंस बजट कम नहीं हुआ, सही है, आधा पकड़ा आपने, डिफेंस बजट कम नहीं हुआ, डिफेंस बजट उतना ही चल रहा है। नहीं, अदानी को हथियार देने थे, सीधी सी बात है। डिफेंस बजट है इतना, भैया हमें सेना को देना है इतना, पेंशन को देना है इतना, ट्रेनिंग में देना है इतना, हथियारों के लिए देना है। अदानी को हमने डिफेंस इंडस्ट्री पकड़ानी है, हथियार उसके होंगे, पैसा हमें वहां ज्यादा डालना है, सारे के सारे इसराइल के हथियार अदानी बनाएगा। इसीलिए अगर हम अदानी के लिए पैसा बना रहे हैं तो फिर जवानों के हाथ से लो, अग्निवीर लागू करो, ये हो रहा है। तो सिस्टम को समझना है, पहले राइफल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, पहले एम्यूनिशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, ड्रोन HAL बनाता था, एयरक्राफ्ट HAL बनाता था। राफेल डील में अनिल अंबानी को दे दिया, अनिल अंबानी ने कभी जहाज नहीं बनाया जिंदगी में, उसको उठा के दे दिया। सारी की सारी राइफल अदानी बना रहा है, सारी के सारे शेल्स कारतूस अदानी बना रहा है, ड्रोन अदानी बना रहा है। तो ये हो रहा है, सिंपल सा डिसीजन है, ब्यूरोक्रेट ले रहा है कि भैया अदानी को पैसा देना है, डिफेंस बजट में से अदानी को अगर पैसा देना है कारतूस के लिए, गन्स के लिए, एम्यूनिशन के लिए पैसा देना है, तो कहां से आएगा? आपकी जेब से आएगा, आपकी जेब से जा रहा है। ये जो 150,000 लोग हैं, 150,000 लोग हैं, जो आपको चोट लगी है वो अदानी ने मारी है, उस बात को समझिए आप। थैंक यू ब्रदर। इसके बाद पिंकू कुमार, और पिंकू कुमार के बाद जय मौर्या, वो भी आ जाए। पहले पिंकू कुमार गया। और दूसरी बात, मीडिया में आप ये बात कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि मीडिया भी अदानी का, वेस्ट इंडिया कंपनी है, पहले ईस्ट इंडिया थी, अब वेस्ट इंडिया हो गई है। नमस्कार जी, बिहार गए? मैं पिंकू कुमार, गया बिहार से, OBC जाति। मैं वही जो
भाई लोग बता रहे हैं 1.5 लाख युवा पीड़ित अभी तक घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे नहीं घर से मिल रहे हैं, नहीं जुट पा रहा है गार्जियन से आके, यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारा में खाना खाया जा रहा, फिर लात मार के भगाया जा रहा है, फिर वही ट्रेन पकड़ के वहाँ भी टीटी भी घूसा मार रहा है, ट्रेन में जगह भी नहीं मिल रही है, बाथरूम के गेट पे सो के जाते हैं आते हैं। वंदे भारत हम लोग का नसीब ही का है सब। वही बात बताने आए हैं कि जो बीजेपी बता रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र होता है जो माँ पहनती है वही बेच देगी कांग्रेस, तो हमने सोचा कि हमारा जो खाया है पैसा जो 1.5 लाख युवा का जो हम लोग गिरवी रख के पैसा पढ़ाई कर रहे थे संस्था में दिए, माँ का गहना बेचे और खेत का गिरवी भी धर दिए हैं सर, और उसका भी संस्था में पैसा जो अति भी कर दिए हैं, अभी तक गहना भी नहीं छूट पाया नहीं अति भी छूट पाया है, तो और हम लोग का वही बीजेपी बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र बेच के माँ का अति कर लेगा, तो हमने क्या कहा कि चलो आप लोग भी तो वही किए जो हम लोग को करना था अति कर दिए, जो पेंडिंग युवा को अति बेरोजगार बना दिए, और वही हम लोग को गार्जियन बोलते हैं जो बूढ़ा लोग है वहाँ गांव घर का जो बोले कि गांधी युग में अच्छा शिक्षित लोग आ रहे हैं उन लोग से जाकर मिलो, तो अभिलाष भैया हम लोग के साथ YouTube द्वारा हम लोग को सहारा मिला, फिर कर्नल रोहित चौधरी सर हम लोग को फिर इतना अति पहुँचाए हम लोगों के यहाँ तक, और देखते हैं हम लोग आज अभी तक जगाए हुए हैं कि राहुल सर अब हम लोग को कुछ करें, हम लोग बहुत दर दर की ठोकरे गांव घर से, हम लोग को शादी भी हुआ माँ का भी गहना नहीं बचा पाए, और हमारा शादी ठीक हुआ था कि लड़का अब तो जॉब पा लिया तो न माँ का गहना बचा न पत्नी को हम अब मंगलसूत्र पहना पाए, वही अब गांव से निकलते हैं तो बोलता है कि ये कौन जा रहा है, ये तो नकली फौजी है घर से का, वही सब ताने मारते हैं हम लोगों को जो, और पड़ोस तो खुश है कि हाँ चलो नकली फौजी है ही अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब शादी भी नहीं हो रही है, जो लाते थे कि चलो ये लड़का फौजी बन गया अब वो भी नहीं ला रहा है कि अब तो ये नहीं बेरोजगार युवा है, अब वो भी नहीं आ रहा है कि हाँ ये लड़का का शादी होगा कि नहीं होगा, वो भी खत्म हो गया है। ये जो आपसे यही है कि हमारा ये भर्ती पूरा करवा दें आप लोग से, यही नहीं हम तो पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई कॉम्पनसेशन 1,50,000 युवाओं को कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो हम देंगे। आखिरी बात, ये जो बोल रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं हमारी महालक्ष्मी योजना है, पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी है, सुनी है, पहली बार दुनिया की कोई भी सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रही है, और 10-15 हजार रुपए नहीं 1,00,000 रुपए साल के हिंदुस्तान की सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, 8,500 रुपए महीने के 1,00,000 रुपए साल के गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं, तो मोदी जी को थोड़ी घबराहट है इसलिए ये उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं सर, तो हम मगर पूरी मदद करेंगे भैया, पूरी कोशिश कि हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, मिशन आपका कर देंगे, अब जैम हो रहे हैं आपकी शादी भी हो जाएगी, अभी तक चप्पल टूटल पहन के घूम रहे हैं इधर उधर सर, शादी हो जाएगी मैं आऊंगा आपकी शादी में पक्का। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम जय मौर्य है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, तो जो विश्वविद्यालय में एक राजनीति का जो माहौल रहा है
तो उस पर मेरा प्रश्न है कि हमारे देश की जो आबादी है लगभग 50% जो आबादी है वो 30 साल से कम युवाओं की है, और जो राजनीति की जो युवाओं की राजनीति में जो पहली सीढ़ी है कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को माना जाता है, परंतु ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनावों को बंद कर दिया गया है, तो किस तरीके से युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी, इस पर आपका क्या एक्शन रहेगा और क्या चीज़ें रहेंगी? नहीं, मेरी व्यू है कि विश्वविद्यालय में इलेक्शंस होने चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, और मेरी थिंकिंग है कि ये जो विश्वविद्यालय में इन्होंने राजनीति बंद की है ये इसीलिए की है कि 90% जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, ये राजनीति में मतलब एग्रेसिवली ना आ पाए, तो ये तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि जो सक्रिय राजनीति है उसमें जो जातिगत आधार माना जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी, तो राजनीति में इसको कैसे शुरू किया जाएगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको राजनीति में उतनी जगह दी जाए? इसमें देखिए एंड में क्या होता है, एंड में जो जिसकी पकड़ होती है, अब अगर वो ओबीसी है उसकी पकड़ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी पकड़ होती है उन लोगों को, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, जनरल कास्ट का हो, जिसकी पकड़ हो, जिसकी ज़मीन से पकड़ हो, उसको प्रमोट करना चाहिए पार्टी में। इस बार अगर आप देखें हमारे टिकट्स में हमने बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा ओबीसी वर्ग के लोग हमने दिए हैं, आदिवासी लोग दिए हैं, दलित तो देते ही हैं, तो हमारी कोशिश है। बट मुझे लगता है कि नई जेनरेशन के लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए, और हम आप लोगों के लिए जगह बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम रुके हुए हैं कि आप जैसे लोग आएं और हम आपको कांग्रेस पार्टी में प्रमोट करें। थैंक यू ब्रदर। मैं बोलूंगा नमन प्रयागराज, साथ में रितु भी इधर आ जाए तो हमारे लिए थोड़ी आसानी होगी। नमन किस चीज़? उसके बाद रितु हरियाणा। रितु नमस्कार। पहले आप मैं नमन इलाहाबाद का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको भर्ती स्कैम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो सर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है वह किसी न किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है उत्तर प्रदेश में आकर के इलाहाबाद, जिसको रोजगार फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको रोजगार फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और हर एक युवा उत्तर प्रदेश में एक नौकरी की आस से आता है, परंतु जो भी छात्र युवा वहाँ आकर के नौकरी की तैयारी करता है उसको किसी न किसी भर्ती के नाम पे छला जाता है। छलावा इस प्रकार होता है कि पहले भर्ती के नाम पे आवेदन निकाले जाते हैं और आवेदन के नाम पे छात्राओं से फीस ले लिया जाता है, और आखिरी में जब चरण आता है परीक्षा देने का तो परीक्षा देने के बाद छात्रों को बताया जाता है कि पर्चा लीक हो गया। इस तरह से एक छात्रों का एक शोषण किया जाता है। इस तरह क्या आपकी सरकार जब बनेगी तो क्या उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक का और भर्तियों में धांधली का जो मामला उजागर होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या यह बंद हो पाएगा कि नहीं? अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम एक नया कानून लाएंगे। पेपर लीक में हम दो चीज़ें कर रहे हैं, एक नया कानून लाएंगे, सख्त कानून होगा, जो भी ये काम करेगा उसके खिलाफ ज़बरदस्त हम कार्रवाई कराएंगे, और दूसरी बात ये नया फैशन बना है कि प्राइवेट कंपनियाँ एग्ज़ाम दे रही हैं तो हम ये बंद कर देंगे और पब्लिक जो एग्जाम्स हैं ये सिर्फ सरकारी देता है। तो ये दो हमारे आइडियाज़ हैं इस पर, अगर आपके कोई सुझाव हैं हम उनको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। रितु नमस्कार। मेरा नाम रितु है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मैं आम किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल यह है कि महिलाओं को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर योग्य नहीं समझा जाता कि वो
आर्मी में जाकर अपना योगदान दें, और मेरा सपना है कि मैं कमांडो फील्ड में जाके एक कमांडो बनूं। और जहां तक बात की जाए अग्निवीर महिलाओं की, वह अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर भी वापस उसी मानसिकता में उनको लौट कर आना होता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अग्निवीर महिलाओं के लिए और महिलाओं की भर्ती को लेकर सेना में आपकी क्या योजनाएं हैं अगर आपकी सरकार आगे आने वाले टाइम में आती है? नहीं देखिए, अग्निवीर को तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम खत्म कर रहे हैं, तो अग्निवीर को तो स्क्रैप करा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। जो पहला सिस्टम था, जो परमानेंट सिस्टम था, पेंशन वाला सिस्टम है था, उसको हम फिर से लागू करेंगे। जहाँ तक महिलाओं की बात है, देखिए ये अंत में ये डिसीजन सेना का होता है, मगर मेरी पर्सनल राय है कि महिलाओं को भी सेना में एक्सेस मिलनी चाहिए और जगह मिलनी चाहिए, बट अंत में ये डिसीजन ये सेना का डिसीजन है, और ये सेना को डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार से और कितनी महिलाओं को वो यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सेना में, वायुसेना में, नेवी में जगह। सर लेकिन अगर देखा जाए कमांडो की भर्ती में सिर्फ 3% महिलाएं हैं जो कमांडो के लिए अप्लाई करके आगे बढ़ी हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी को पहले ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये मानसिकता ऑलरेडी है समाज के अंदर कि वो शारीरिक तौर पर सशक्त नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आप आगे क्या करेंगे ताकि महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी गेट खुल जाए? नहीं देखिए, आजकल मॉडर्न वेपनरी के साथ शारीरिक मतलब इतना डिफरेंस, इतना असर नहीं पड़ता है। मॉडर्न वेपनरी के साथ जो काम, मतलब अगर आपने राइफल मारी, मैंने राइफल मारी, मतलब मरेगा तो दोनों से मरेगा, ये तो बात नहीं है। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, कमांडो बन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो हम एवेन्यूज़ बनाएंगे और हम सेना से, पैरामिलिट्री से बात करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आर्मी में और स्पेशल फोर्सेस में जा पाएं। धन्यवाद सर। मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, थोड़ी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, बट वो आर्मी के नॉलेज में है तो वो उनका थोड़ा डिसीजन होता है, मगर हम जरूर उनको सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जगह दें। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद फराज हुसैन और अभिषेक अमीरपुर आ जाएं, पहले फराज और फिर अभिषेक। फराज, नमस्कार। कहाँ से आप? सर मेरा नाम, नमस्कार, मेरा नाम फराज हुसैन है। मैं यहाँ पर शिक्षा और रोज़गार की बात हो रही है, यहाँ पर मैं एक स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं फराज हुसैन जामिया से हूँ और मेरा नाम ही डिस्क्रिमिनेटरी है। संस्थाओं में संगठित रूप से जिस तरीके से मुस्लिम युवाओं और महिलाओं के साथ पढ़ाई में और नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मुसलमानों के लिए क्या कांग्रेस का फ्रेमवर्क है? देखिए, हमारा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लोकतंत्र है, और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के सब सिटीजन्स एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई धर्म कम नहीं है, कोई जात कम नहीं है, कोई भाषा कम नहीं है। तो हमारे लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम जानते हैं कि BJP की विचारधारा हमारी विचारधारा से बिल्कुल अलग है, हम उनकी विचारधारा से लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सब लोगों के लिए जगह हो, सब लोगों की रिस्पेक्ट हो, सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और आदर करें एक दूसरे का। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हमें। मैं जानता हूं कि आपको मुश्किल हो रही है, मगर घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है, मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर मैं हमीरपुर बीरभूमि से रहने वाला हूँ। बीरभूमि सर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी युवा हैं, मतलब हर दूसरे के युवा का जो सपना था वो सेना में जाने का था। मैं अपनी बात करूँ सर, तो मेरे जो दादाजी थे वो भी आर्मी से रिटायर हैं, मेरे पिताजी भी वो भी आर्मी से रिटायर थे, और मेरा जो सपना था वो भी आर्मी का जाने का सर। लेकिन जब से ये
अग्निवीर भर्तियाई, इसमें मतलब ये इसमें हमारा शोषण किया गया, मतलब सर इंद्र कहा जाए एक तरफ से, तो आप मतलब 150,000 जी सर, जी सर, मतलब सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जो युवा थे, मतलब जो हम देखते थे जब हम अग्निवीर से पहले की जो बात थी, तब हर ग्राउंड मतलब सुबह 4-5 बजे युवा जो था साथी था वो 4-5 बजे मतलब सड़कों पर दौड़ना, शाम को दौड़ना कॉलेज, मतलब इनफैक्ट कॉलेज में जाना तो क्लासेस बंक करके हम ग्राउंड में जाते सर इसके करने के लिए। लेकिन जब से ये भर्ती आई, मतलब तब से जो अग्निवीर भर्ती आई, इसे युवाओं को जो थोड़ा सा जो था अग्नि भर्ती के, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा सा जब दूर होते जा रहे सर युवा इससे करके, और सर जो युवा थे वो अब जो पहले तो फिटनेस के थे आर्मी के लेकर, लेकिन अब वो युवा वही युवा जैसे आपने कहा सर कि वो इंस्टाग्राम पर दिन ला रहे हैं, और वही युवा जो कुछ साथी थे हमारे वो अब नशों की ओर जा रहे हैं सर, मतलब कि जो युवाओं के प्रथम जो पहले जो था कि वो युवा आर्मी के प्रति जो उनके कर्तव्य थे उनकी जो निष्ठा थी वो अब सर धीरे धीरे कम होती जा रही है। सर मेरा प्रश्न ये है कि सरकार का कार्य होता है कि एक उज्ज्वल विषय के निर्माण करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो सरकार तो सर अब जो ये एक भर्ती थी सर इसको सर जो स्कीम थी इसको मतलब एक परमानेंट जॉब होती थी हमारी युवा और किसी के भी साथी के लिए थे, सरकार ने इसको बंद करके से एक ठेके वाली भर्ती लेके के हम कह सकते हैं कि ये भर्ती कर दी, तो इसके बारे में हम सर बताएं कि हम कैसे इसके करें। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है ना अग्निवीर वही है, ठेकेदारी प्रथा है आर्मी में और हम नहीं चाहते हैं कि आर्मी में ठेकेदारी प्रथा हो, तो हम उसको रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, अग्निवीर को फिनिश कर देंगे। हमारे पिताजी भी कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, मतलब धीरे धीरे खत्म होगी, 6 महीने में कभी सर एक सैनिक बन नहीं सकता है, कम से कम 6 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं बनने के लिए। तो और इसमें एक और बात है, अग्निवीर एक्चुअली आर्मी को वीकन कर रहा है, कमजोर कर रहा है, तो हम इसको बदलेंगे 100% हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बदल देंगे, क्योंकि वही युवा जो 24 वर्ष की आयु में जब मतलब उसको पता है कि 24-25 वर्ष में वो 3-4 साल नौकरी कर रहा है आर्मी की, वो अपना घर बने बनाएगा सब कुछ करेगा, अभी जो नई भर्ती रही इसके करके वो युवा जो वो 24 साल की उम्र में घर बैठ जा रहा के, उसमें उसकी शादी भी होगी सर, तो ये बच्चों के मतलब पेरेंट्स जो पीछे की होती है कि उनको उम्मीद होती है बच्चों की, हमारा बच्चा घर बनाएगा सब कुछ करेगा, मतलब तो फिर उससे तो हमारा शोषण ही हो रहा है ना, कि युवाओं का शोषण हो रहा है सर। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सर, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे जी सर। थैंक यू ब्रदर। अबे नंदिनी उत्तराखंड, अरे नहीं नहीं आ जाओ, नर्वस नहीं होना। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी आर्या है, मैं SC समाज उत्तराखंड की लड़की हूँ, और सर से मेरा यही सवाल है, सर सामाजिक व आर्थिक न्याय के जो रास्ते बंद हुए हैं उनको जारी रखने के लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले जाति जनगणना, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि आबादी किसकी कितनी है, इकोनॉमिक सर्वे और हर संस्था का सर्वे, तो देश को पता लग जाएगा कि देश में धन किसके हाथ में, कितनी आबादी है, किसकी है, किसके पास क्या है, पहला ये कदम। दूसरा कदम महालक्ष्मी योजना, जो मैंने कहा 1,00,000 रुपए हर महिला के, हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में साल के, 8,500 रुपए महीने के, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग, 1 साल की नौकरी और 1,00,000 रुपए साल के बैंक अकाउंट में, किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ, और मजदूरों का जो आज 250 रुपए मिलता है वो 400 रुपए मिलेगा, आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को उनकी आमदनी दुगनी करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये जो पूरा का पूरा अदानी जैसे लोगों की इन्होंने मदद की है, इसको एक बार मतलब हम बदलें, और जितना इन्होंने इनको फायदा दिया उतना फायदा हम आम जनता को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने की कोशिश करें, ये है हमारा प्लान। सर जो हाँ उत्तराखंड की जो आर्थिक इकोनॉमी थी वो हमारे यहाँ से 90% तो सारे जो है सॉरी अग्निवीर में मतलब सेना के लिए काम करते थे, तो अभी जब से अग्निवीर आया है हमारे जो नौ युवा है वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, और कई लोग जो हैं अपने अपनी जान भी ले लेते हैं, तो इसके लिए तो अग्निवीर को तो खत्म करेंगे। पर देखिए मेन बात यह हुई है कि हिंदुस्तान में 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरी मदद की है,
22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। तो ये करेक्शन करना है, धन को ठीक तरीके से बांटना है, किसानों को देना है, मजदूरों को देना है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अब हमने लगभग सभी क्वेश्चंस ले लिए हैं, लगभग राहुल जी सबके सवाल थे लेकिन हमने सबके क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए हैं। हम लेटर के माध्यम से आपके जवाब देंगे सबके। नहीं अभी ठहर जाओ भैया, सबका सवाल तो ले नहीं सकते। बोलो अब हो गया, आप तो नहीं कर सकते। जो सवाल है वो हमने ले लिए थे, हम आपको लेटर के जवाब से देंगे। एक सर राहुल जी लास्ट क्वेश्चन ले लो। आप प्लीज एक बार बैठ जाइए, इनको बुला लो, इनको बुला लो। हाँ सी आप आइए, हाँ आप आइए, ठहर जाइए। क्या तो राहुल जी हमने ये कमेंट इज इन लोगों के सवाल जवाब नहीं होंगे। कैन डू दैट सो वी विल बेसिकली राइट। हाँ नमस्कार सर, क्या सवाल है? नहीं सर बता दें। सर मैं जितेंद्र यादव बहरोड अलवर राजस्थान से आया हूँ सर, और सर मेरा कोई, मैं दो मिनट लूँगा सर सिर्फ, मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। मेरे को फ़ोन गया, मेरे को पता लगा मैं आया हूँ, ना मेरा कोई राजनीतिक मतलब है। अभी तक जो भी चीज़ सर, मेरे घर में 5 आर्मी में 5 सदस्य हैं, मेरा पापा आर्मी में है, मेरा बेटा मेरे साथ आया है सर, आर्मी में भर्ती होना चाहता है मेरा बेटा, लेकिन रोहित नाम है सर, ही सिटिंग हेयर। मेरा बेटा भी आर्मी में भर्ती होना चाहता है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे गांव में 25 लड़के सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं। उन 25 लड़कों ने साथ जब हमारे यहाँ पे पोलिंग हुई तो मेरे को कहा अंकल जी हम बूथ पे खड़े होंगे, और हमारे बूथ से पार्टी को जिताया इन लड़कों ने, इनका वोट भी नहीं है इन लड़कों ने, किस लिए? सिर्फ अग्निवीर के लिए। और ये कह के आए थे सर मैं राहुल जी के साथ फोटो खिंचवाऊंगा मेरा बेटा। और सर एक चीज और, 17 साल की उम्र में भर्ती हो रहा है, 4 साल में वो घर पे आ रहा है। जब 17 साल की उम्र में भर्ती होगा, जो मैं ऐड करना चाहता हूँ सर इस मीटिंग में, जिसके पास पैसा आएगा 50,000 रुपये 60,000 रुपये महीने का, उसके सर खर्चे बढ़ जाएंगे, पर्सनल खर्चे बढ़ जाएंगे, उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 4 साल बाद वो घर आ जाएगा, घर आने के बाद में इनकम खत्म हो जाएगी, लेकिन लाइफ स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और सर वो आर्मी में जाके वेपन चलाना सीख के आ जाएगा। सर गुंडागर्दी बढ़ेगी सर, अपराध बढ़ेंगे, इसको जल्दी रोकना है। और सर अगर मगर की बात नहीं है, पूरा देश का युवा आपके साथ है, 150 से ऊपर नहीं आ रहे। मैं थैंक यू ब्रदर, सर बहुत अच्छा बोले, लाइफ खर्चे ही वांट्स अ फोटोग्राफ, सो जस्ट टेक हिम आउट सो दैट ही कैन गेट अ फोटो। ओके आ जाओ रोहित, चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ। निवेदन है कि व्यवस्था बनाए रखे, इसके बाद सर इसका ड्रीम था। थैंक यू सर, लव यू ब्रदर, थैंक यू। हमारे बूथ से तुमने जीता, अलवर से ललित यादव जीत रहा। देखिए नहीं मैं बता रहा हूं, सुनिए, सबके जवाब तो नहीं दे सकते क्योंकि मुझे अगला प्रोग्राम भी करना है, मगर जो आपके सवाल हैं अगर आप लिखित में दे देंगे, हम हर सवाल का आपको जवाब दे देंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और हमारी कोशिश होगी जो 150,000 लोग हैं उनकी हम मदद करें, उनके लिए हम रास्ता खोलें। धन्यवाद, जय हिंद।